दोस्तों मैं गोविंद माली एक बार फिर आप सभी का एक लर्ज जानकारी के साथ में मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों मैं बता दूं कि गवर्नमेंट कॉलेज रेगुलर एडमिशन फॉर्म भरने की जो अंतिम डेट थी वो 26 जून 2024 यानी कि जो आज की डेट थी वो अंतिम डेट थी। लेकिन गाइस डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन का एक ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है जिसमें गवर्नमेंट कॉलेज रेगुलर एडमिशन फॉर्म भरने की जो डेट है वो आगे बढ़ाई जाती है। तो वो कौन सी डेट है, अब आप कौन सी दिनांक तक इसका आवेदन कर सकते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अंत में बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। अब मैं आपको इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं संशोधित ऑनलाइन प्रवेश कार्यक्रम सत्र 2024-25 स्नातक पाठ प्रथम सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर का, ठीक है। ऑनलाइन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि रहेगी यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो अंतिम डेट रहेगी 3 जुलाई 2024, यानी कि अब आप 3 जुलाई 2024 तक इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। महाविद्यालय द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्रों की जो सत्यापन की अंतिम तिथि रहेगी वो 6 जुलाई 2024 तक। उसके बाद में जो मेरिट निकाली जाएगी, वेटिंग और मेरिट निकाली जाएगी, अंतिम मेरिट निकाली जाएगी वो 8 जुलाई 2024 को इसकी मेरिट निकाली जाएगी। उसके बाद में अभ्यर्थियों द्वारा महाविद्यालय में दस्तावेज सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद में ई मित्र पर शुल्क जमा कराने की जो अंतिम तिथि रहेगी वो 11 जुलाई 2024 यानी कि आप 3 जुलाई 2024 तक इसका आवेदन कर सकते हैं। मेरिट 8 जुलाई 2024 को निकलेगी और अपनी जो एडमिशन की जो शुल्क है वो ई मित्र पर 11 जुलाई 2024 तक जमा करा सकते हैं। तो दोस्तों 3 जुलाई 2024 को आपका इंतजार नहीं करना है क्योंकि अंत में किसी भी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको 3 जुलाई 2024 से पहले ही इसका आवेदन कर लेना है ताकि आपको अंत में किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़े। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो के लिए मुझे एक लाइक जरूर देना, साथ ही चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अंत में बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। जय हिंद, जय भारत।